टमाटर एक ऐसी सब्जी है जिसको प्रायः सभी प्रकार का व्यंजन बनाए जाने में उपयोग किया जाता है। तो किसान भाइयों के लिए आज हम बात करेंगे कि कैसे टमाटर की खेती की जाए ताकि उनको ज्यादा उपज प्राप्त हो सके। नमस्कार, मैं डॉक्टर धीरू कुमार तिवारी, कृषि विज्ञान केंद्र माधोपुर पश्चिम चंपारण। आज हम बात करेंगे टमाटर की वैज्ञानिक खेती कैसे की जाती है। अपने यहाँ टमाटर की खेती तीन मौसम में की जाती है, जिसमें से जो सर्दी के मौसम में जो खेती की जाती है उसको लगाने का जो सबसे अच्छा समय होता है अगस्त सितंबर का होता है। उसी प्रकार जो गर्मी के मौसम में फसल लगाई जाती है उसका जो सबसे बेहतरीन समय होता है वो जनवरी फरवरी का समय होता है। जो गर्मी के मौसम में टमाटर की फसल लगाई जाती है वो अप्रैल मई के समय में लगाई जाती है। किसान भाइयों को कुछ मुख्य बातों पर जरूर ध्यान देना चाहिए, जिसमें से खास है कि प्रजातियों का चुनाव अच्छी उपज वाली जो कुछ प्रजातियां हैं उनका चुनाव किया जाना है, जिसमें से मुख्य रूप से जैसे अर्का रक्षक जो प्रजाति है। अर्का रक्षक का ये गुड क्वालिटी है कि वो किसी भी मौसम में उसको उगाया जा सकता है, उपज भी काफ़ी अच्छी होती है। इसके अलावा वो कई प्रकार के जो रोग होते हैं उनके प्रति रोग रोधी होती है। इसके अलावा काशी विशेष है, काशी आदर्श है, ये कुछ प्रमुख टमाटर की प्रजातियां हैं। इसके अलावा चेरी टोमेटो की भी किसान खेती कर सकते हैं। चेरी टोमेटो का जो उपयोग होता है वो सलाद के रूप में काफ़ी रूप से यूज़ किया जाता है, उसका प्रयोग किया जाता है। तो इन सब प्रभेदों का उपयोग करते हुए टमाटर की अच्छी उपज को प्राप्त किया जा सकता है, अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। ये हो गई कि जो उत्तम प्रभेद की बात है। इसके अलावा हमको नर्सरी की बात करनी चाहिए कि इसका जो पौधा होता है नर्सरी गिराने के बाद पौधों का रोपण किया जाता है। तो नर्सरी गिराने से पहले पौधों का जो बीज होता है बीज का उपचार कर लेना चाहिए। बीज के उपचार करने के लिए फफूदनाशक दवा खास करके कार्बेंडाजिम या थीरम का 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के दर से बीज का उपचार किया जाता है। बीज को उपचारित करने के बाद नर्सरी में बीज को गिरा दिया जाता है। 25 से 27 दिन बाद नर्सरी के जो पौधे होते हैं वो मुख्य खेत में वो जो रोपाई के लिए तैयार हो जाते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि बीज की मात्रा का भी ध्यान देना चाहिए। बीज की मात्रा में क्या है, जो सामान्य फसलें हैं, जो सामान्य वेराइटियाँ हैं उनके लिए 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बीज की आवश्यकता होती है। वहीं पर जो हाइब्रिड क्वालिटी की जो वेराइटीज़ हैं उनके लिए 150 से 200 ग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर हमने बात कर ली कि बीज की बुआई नर्सरी में बीज का शोधन करके बीज की बुआई की बात, उसके बाद रोपाई की बात। अब आते हैं बात की कितनी दूरी पे इसकी रोपाई करने की आवश्यकता होती है। तो जो कम फैलाव वाली प्रभेद होती हैं उनके लिए 45 से 60 सेंटीमीटर की दूरी पे पौधों का रोपाई किया जाता है। वहीं पे जो हाइब्रिड या ज़्यादा विस्तार वाली प्रभेद होती हैं, पौधे होते हैं उनके विस्तार वाले, उसके लिए 90 से 120 सेंटीमीटर की दूरी पे जो पौधे की रोपाई की जाती है। अब हम बात कर लेते हैं कि कितनी गहराई पे बीज को लगाना चाहिए। जो नर्सरी की बात है तो नर्सरी में जो गहराई होती है वो 1.5 से 2 सेंटीमीटर की गहराई पे बीज की बुआई की जाती है। यहाँ पे बात अब करनी होगी कि जो फसल हम लगा रहे हैं फसल में जो न्यूट्रिएंट का जो प्रबंधन है, जो पोषक तत्व प्रबंधन है उसके बारे में। तो पोषक तत्व प्रबंधन के लिए 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता प्रति हेक्टेयर आवश्यकता पड़ती है। इसके में क्या किया जाए, ध्यान देने की बात है कि जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है इसको 3 बराबर भागों में बांट लिया जाता है। जो पहली मात्रा है उसको खेत की तैयारी के समय फास्फोरस और पोटाश के साथ मिलाकर प्रयोग कर दिया जाता है। वहीं पर जो बाकी जो अवशेष बची हुई मात्रा है नाइट्रोजन की उसको रोपाई से 20 दिन बाद और फिर उसके बाद 40 से 45 दिन बाद उसका प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से हम जो उर्वरक की प्रबंधन करते हैं। अब बात आती है कि सिंचाई की, तो सिंचाई का जो की बात है, सिंचाई के लिए हमको गर्मी के मौसम में खासकर
नमी का जो संचार है मिट्टी में, नमी को बनाए रखा जाता है और ये ध्यान दिया जाता है कि किसी प्रकार से जो खेत है, खेत की मिट्टी सूखने ना पाए। खेत की मिट्टी अगर सूखती है तो उसमें तमाम तरह की समस्याएं आ सकती है, खासकर जो टमाटर का फल है वो फटने की भी समस्या आ सकती है। तो इन सब बातों को जरूर ध्यान देना चाहिए और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम टमाटर की एक अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर टमाटर में किसी कीट का, रोग का समस्या आता है तो किसी नज़दीकी विशेषज्ञ से उस पर राय लेते हुए, उसमें उचित मात्रा में उचित दवा का प्रयोग करते हुए उसका नियंत्रण किया जा सकता है, तो हम टमाटर की खेती सफलतापूर्वक कर सकते हैं और एक अच्छा खासा उससे इनकम को जनरेट कर सकते हैं। धन्यवाद।